वैसे ही होप आप लोग अच्छी होंगे। फिलहाल तो मैं भी आया था, वो वॉक गया था ना, आज वॉक करने गया था, गया 5:30 बजे अभी आया था। तो हम तो ऐसी हैं, खेलने आती थी यहाँ पे, मतलब ये कर रही हैं आलू छील रही हैं सब खाना बनाने के लिए। मम्मी उठ चुकी हैं, मम्मी उठती नहीं है वैसे इतने टाइम, मेरी वजह से उठ गई क्योंकि मैं जा रहा था ना 5:30 बजे, तो मम्मी उठ गई तो मम्मी उठे कर लेंगी जल्दी। खैर अभी बज रहे हैं 6:30, तो मैं भी नहाता हूँ, स्कूल के लिए तैयार होता हूँ, फिर आप सुनता हूँ। तो गाइस मैं वहाँ से तो मतलब नहाते तो निकल चुका था पापा, और हमने पूजा भी करी मम्मी और मैंने घर, और अभी तो मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, देखते हैं कुछ होते हैं कि नहीं। अभी तो कुछ हो नहीं रहा, पापा भी अभी उठे, आरजू भी और बेबी भी, आरजू उठ गई तैयार हो गई है, वो अंजलि दीदी अभी उठी है, देखते कब तक क्या होता है। ओके गाइस अभी यहाँ पे मैं नाश्ता कर रहा हूँ, खैर यहाँ पे देख सकते हैं आप, आज हैं चावल आलू, आरजू भी कर रही है यहाँ पे बैठ के, और पापा वहाँ पे अपनी शेविंग कर रहे हैं, अंजलि तो वहाँ पर अपना काम कर रही है। तो अभी तो सब ऐसे ही बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं था, 7:30 बज गए हैं, अभी खा के निकलते हैं फिर। खैर भाई वहाँ सो रहा अपना, चलते हैं फिर खा के। ओके 5:30 बजे का उठ रहा हूँ तो आज जल्दी सो जाऊँगा। वैसे आज वैसे डे कौन सा है, कौन सा डे है? थर्सडे है शायद। थर्सडे आज तो आज तो थर्सडे है, अभी तो है टाइम ना संडे में, तो देखते हैं फिर संडे को अपनी गेमिंग चैनल की भी वीडियो शूट करनी है, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस मेरा टाइम हो गया, जल्दी जल्दी बॉर्डर रख के नीचे लेके चलता हूँ, चलते हैं फिर। ओके चलो चलते हैं फिर, जूते निकालते हैं यहाँ से, जूते ले लिया जो जूते साफ करने वाला। हट इस साइड में बैठूँगा लोटा। नहीं ना तू तो इस साइड बैठी है ना, मैं उस साइड बैठूँगा। हट दो जूते, हटा वो ला रहा हूँ ना तेरा। आ जाओ मम्मी, आ रही हूँ, चप्पल कहाँ है? बाथरूम में पापा, दूसरी चप्पल ले लो। क्या चीज ये है? ये पहन तो फिर मिलता हूँ। मैं आया तब तक नया दीदी लेकर आई, मैं नहीं आरजू, आरजू काफी दिन गई थी ना दीदी के साथ, तो चलते हैं फिर। ओके तो निकल गए अब, चलते हैं फिर। टायर कट यार जी, नादी भाग के चलो, आरजू तो टायर कट भूल गई, वो लेने गई है, हम चलते हैं यार। फिलहाल तो अंजलि दी भी आ गई यहाँ पे, चलते हैं फिर, चलते हैं फिर, लेट्स गो। I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true, I should just let. घर अभी इधर आरजू के लिए रुके हैं, देखते हैं कब तक आती है वो, अभी तो आई नहीं है। तो आज इधर चलेंगे मंदिर वाली गली से, आ गई है, खैर पता नहीं क्यों इतना टाइम लगाती है, जान फालतू में मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया। कब लगाया मैंने टाइम, रोज पहुंच जाता हूँ टाइम पे स्कूल, आगे देख के तभी इसको छोड़ के चले जाता हूँ मैं। If I couldn't make dreams come true, I should just let them all go. बोला था कल उनने, तो उनने बोला था कि ना इसको बोल देना अपनी मम्मी से लिखवा के लिए, देखेंगे चाहिए होते हैं। चलो आप बोल देना खैर उन्हें कि छोड़ दें, ठीक है। I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true,
I should just let them all go. When life seems impossible, look from a new angle. Change just one little thing. When life feels intolerable, find your true source of love. Concentrate, focus on love. Center now, focus on love. Dedicate, focus on love. Focus now, focus on love. स्कूल आ गया अब तो यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे फिर स्कूल से आके, देखते हैं आप यहीं पे साइड, इस साइड पे को मेरा स्कूल है तो आके मिलता हूँ। सर आज मेरी छुट्टी तो हो चुकी है, खैर की सब और भाई लेने आए थे आज, तो अब तो हम चल रहे हैं घर की तरफ। कोई अभी आधे रास्ते में चल रहे हैं हम। खैर यहाँ पे आरजू और भाई पलक भी है, और पलक का बैग आज किसी ने टांग लिया, तो अभी तो चल रहे हैं घर पे। मुझे थोड़ा सा दूर है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। पलक का घर और ऋषभ का घर तो आ ही जाएगा, चलते हैं फिर। I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true, I should just let them all go. अभी बस पलक ऋषभ का घर तो आ ही गया, चलते हैं फिर। बस यही गली पे है, चले फिर। I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true, I should just let them all go. गाइस आज हम इस रास्ते की जगह आगे वाले रास्ते चलेंगे, तो वहां चलते हैं। खैर पलक तो चलेगी घर पे, ऋषभ है मेरे साथ, और अपन हम चलेंगे ऋषभ के घर। आज इसके मामा आ रहे हैं, तो वो बता रहे थे पलक को कि इसके मामा जो वो आ रहे घर पे, चलते हैं फिर, लेट्स गो। तो ऐसे वैसे इस गली में बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इस गली में बहुत सारे प्लांट्स देख सकते हैं आप, यहाँ पे हैं और इस साइड पे भी हैं, और मतलब इतने सारे बर्ड्स एकदम से ऐसे करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं इस वाली गली में। तो खैर आने वाले घर अपना भी आ गई है, मेरे पे तो चलते ही पता नहीं कैसे है इस पर डॉगी भागते हैं। खैर वो डॉगी आ गया, डरा दिया, चलते हैं फिर, लेट्स गो। खैर यहाँ पे भी कुछ डॉग्स सो रहे हैं, इन्हीं दोनों ने काट लेते हैं कभी कभी, चलते हैं फिर। खैर आज हम इस साइड की जगह इस साइड से चलेंगे, चलते हैं फिर अपने घर। I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all. खैर यहाँ पे अमन भी आ गए। I used to think if I couldn't find hope. तो अब अंदर चलिए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ, ओके? तो गेट बंद करते हैं फिर। ये रहा भाई, मम्मी ये रही, और यहाँ पे नहीं आ रही है, तो देखते हैं फिर, कपड़े बदल के मिलता हूँ। सो गाइस अभी ऐसी था मैं, यहाँ पे ये दोनों हैं, और आशीष आया घर पे, तो इसके साथ वीडियो बनाने में, तो ये यहाँ पे बैठा है अभी। खैर आज कैमरा मैन बनेगी वीडियो में, तो वो आप मेरी इंस्टा पे जाके देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, उस पर देखना। फिलहाल हम बना के मिलते हैं आपसे। सभी भाई आए बाहर से, अच्छा लग रहा है, आज फोर्थ डे है नवरात्रि का, चलते हैं फिर मंदिर के पास, वहीं पे ब्लॉग एंड होता है अपना। तो खैर मम्मी यहाँ पे हैं, भाई भी यहाँ पे आरजू आए, अभी ऐसे बैठी है। हम फोन चला रहे थे, दिखाता हूँ आपको हम क्या देख रहे थे। तो हम देख रहे थे मेरा ये, तो मेरे 5,000 हो गए हैं, देख सकते हैं आप, 5,000 मेरे फॉलोअर्स हो गए। तो ये आज मैंने वीडियो बनाई थी एक, तो
जी वाली वीडियो आज जो मैंने बनाई है इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके वहाँ से चेकआउट कर लेना, अच्छी बनी है उस वीडियो। और या तो मेरे इंस्टा पे जाके वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं, देखते कौन सी लिंक डालूँ, इंस्टा की डाल दूँगा, उनसे आके चेकआउट कर लेना। ओके फिर आप जहाँ पर चल रहे हो ऊपर चलो चलते ना अंदर। खैर आगे हम छत पे, ये साइड अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा। किसी घर मैगी बन रही है, हाँ छिपकली, तो मैं क्या कर रहा हूँ वहाँ छिपकली, किसी घर मैगी बन रही है, बहुत स्मेल आ रही है, तब बहुत मतलब खुशबू आ रही है बहुत अच्छी। फिलहाल यहाँ पे है और पीछे जो ढोल ढोल बज रहा है तो राम जी की बरात जा रही है उसकी है वो। छिपकली क्या कर रही है, भक 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 सारी है। और भाई साहब इतनी सारी छिपकलियाँ कहाँ से आ गई यहाँ पे, लाइट की तरफ कीड़े आते ना तो सूर्य सही है। खैर ये अपना मंदिर ज्योत जल रही है ज्योत। If I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true, I should just let them all go. When life seems impossible, look for a new angle, change just one little thing. When life feels intolerable, find your true source of love. ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, पुराने और सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लेना। यार मिलेंगे किसी और एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।